गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताई थी बहुत सी बातें कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या बातें होती हैं। आज स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक है, हम ख़त्म करते हैं स्ट्रेट लाइन को। देखिए, कोई नया तो आने वाला नहीं है या नई कोई चीज़ आने वाली नहीं है कि आज मैं कोई नया बेसिक आपको बताऊँगा, नहीं। बस क्वेश्चन ही है, वही है एचडी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, पर समझाऊँगा किस तरह से क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आज आपका स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्लेन के बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम टू क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसमें टू ही कराएंगे, और टू आप कर लोगे तो इजीली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमने जब प्रीवियस वीडियो कराई थी, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों में, तो मैंने एच डी निकालना बताया था वैक्टर फॉर्म में भी, कार्टेजियन फॉर्म में भी, और फिर हमने पैरेलल लाइंस में बताया था। फिर उस 13.4 एक्सरसाइज करवा रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पीछे आगे के, मैंने छुड़वा दिए। मैंने आपसे कहा था कि आपने 13.5 करनी है। 13.5 में कोप्लेनर वाले कुछ क्वेश्चंस थे, शुरू के 1-2 क्वेश्चंस कोप्लेनर हैं या स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करती हैं वो वाली है, ठीक है। तो वो दोनों एक ही बातें होती हैं। अब जो वो क्वेश्चन करवाए तो मैंने बताया था उसमें एच डी जीरो होता है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि वो क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं, आप खुद ट्राई करना। तो वो क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने थे, कौन से कोप्लेनर वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब भी अगर नहीं किए तो आज पहले आप वो कर लेना, उसके बाद आप नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। तो आज 13.4 में एक रिमेनिंग लास्ट का क्वेश्चन रह गए थे, टू क्वेश्चन उनमें से एक करवा रहा हूँ, और फिर 13.5 का एक लास्ट का क्वेश्चन है वो कराऊंगा, फिर आपका चैप्टर ये वाला कंप्लीट है, पहला मतलब जो पहला टॉपिक है स्टेट लाइन वो कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें देखो ध्यान से सुनना, एक टॉपिक रह जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म का, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म रह जाती है, उसमें वो मैं आपको प्लेन कराऊंगा तब बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी उस चीज़ में टेंशन में नहीं आना है कि वो टॉपिक नहीं हुआ, छोड़वा दिया सर ने, क्या हुआ क्या नहीं। अभी छोड़ दो उस टॉपिक को, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है वो छोड़ दो, बाकी आपके 3D में पहला चैप्टर कंप्लीट है, आपका पहला टॉपिक कंप्लीट आज, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है जो मैंने आज लिखा है, वो फाइंड एच डी निकालनी दो लाइनों के बीच में एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एच डी। ये क्या बात आ गई अलग से कि जो एच डी आप लगाओगे, जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे कम दूरी है, डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये एंगल 90 का और ये एंगल 90 का, देखो दिख नहीं रहे लेकिन 90 होता है इनमें, ठीक है। तो पहले तो एच डी निकालनी मतलब पी क्यू निकालना है, वो तो इजीली है, लेकिन आगे क्या बोला वो देखो ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एच डी ऐसे बोल देते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने उस दिन नहीं बताया था, आगे का जो पार्ट आपका एक, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेक्टर इक्वेशन मतलब वेक्टर इक्वेशन बनानी है किसकी, लाइन ऑफ एच डी, एच डी की जो लाइन है, ये है एच डी की लाइन, इसकी मतलब पी क्यू की इक्वेशन बनानी है वेक्टर फॉर्म के अंदर। कार्टेजियन बोले तो कार्टेजियन बना दो, जो भी बोले, पर बताऊंगा कैसे बनेगी फॉर्म। तो पी क्यू की इक्वेशन बनानी है। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आई कैसे बनेगी इक्वेशन, तो देखना कैसे बनेगी। जब आपको ये पूछे ना कि वेक्टर इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनाओ एच डी लाइन की, मतलब इसकी इक्वेशन बनाओ, तो एच डी मत निकालना, क्योंकि एच डी निकालोगे तो पहले ही काफी लेंथी जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेप आप बताने वाला हूँ वो तो करना ही पड़ेगा आपको, उससे और लेंथी क्वेश्चन जाएगा। आपने एच डी भी निकालनी है, लेकिन पहले आप क्या करें, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट निकाल लें। पहला काम, ये काम कब करना है सुने ध्यान से, जब इक्वेशन पूछे लाइन ऑफ एच डी की, कि एच डी की इक्वेशन निकालो, जैसे ये एच डी की एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालो, तो इसके लिए आपको पहले ये पी पॉइंट चाहिए, फिर ये क्यू पॉइंट चाहिए, ठीक है। दोनों पॉइंट आ गए तो मैं बाई टू पॉइंट फॉर्म बना दूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एच डी, ठीक है ना, टू पॉइंट फॉर्म बन जाएगी। और जब मुझे पी और क्यू मिल ही गया है क्वेश्चन में, तो फिर मैं पी क्यू नहीं निकाल सकता बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नहीं हो जाएगा नहीं जल्दी। तो फिर आपको ये एच डी का फार्मूला नहीं लगाना है, बस जो बताया था मैंने वो वाला। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, समझ आया। तो ध्यान रखना, जब ये दोनों बातें एक साथ पूछ ले, ये और इक्वेशन इसी लाइन की इक्वेशन और इसी की डिस्टेंस, तो ये मत निकालना, बाद में देखेंगे, पहले इक्वेशन निकाल ले, क्लियर है। आप सुनिए कैसे निकलेगी इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बीच में क्वेश्चन ऐसा भी है, बताऊंगा भी तो अभी कैसे होगा, बीच में एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि आपको
इस लाइन की, ये जो लाइन दे रखी है इसके दो पॉइंट दे दिए गए हैं, इस लाइन के दो पॉइंट दे दिए गए हैं और कह दिया उन दोनों के बीच में एच डी निकाले। तो कैसे निकालोगे आप? आप कई बार सोचते हैं कि हमें तो इक्वेशन गिवन ही नहीं है, लेकिन इक्वेशन गिवन नहीं है तो क्या आपको बनानी भी नहीं आती क्या इक्वेशन? तो ये तो श्योर है हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। कैसे भाई? अगर इस लाइन के दो पॉइंट दिए गए हैं तो मैं पहले वो टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना सकता हूँ, ऐसे दूसरे वाले की टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, बन गई, फिर एच डी निकाल ले। तो इससे ऊपर जो क्वेश्चन आपको है, मतलब इससे पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन, ठीक है? तो ट्राई कर लेना वाला, मेरी याद आगे बताना आपको। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हम पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि सारी चीज़ें कंप्लीट ही बोर्ड पे कराई जाए या सारे ही क्वेश्चन कराए जाए, तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं बोर्ड के ऊपर और कुछ की ट्रिक आपको बता देते हैं। ऐसे होगा कुछ आप माइंड से खुद भी लगा कर सकते हैं कि जब सब कुछ बता रखा है कैसे निकलेगा, तो फिर इतना तो आप खुद भी अंदाजा लगाएं कैसे करना होता है क्वेश्चन, ठीक है? और जब ये ट्रिक आपको लगानी आ जाएंगी तो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा मैथमेटिक्स में, बोर भी नहीं होगे आप, ठीक है? देखिए तो चलिए सबसे पहले P पॉइंट और Q पॉइंट निकालते हैं, ठीक है? क्या आएगा P और Q? देखो P पॉइंट क्या होता है, मैंने कहा ना पहले P निकालो फिर Q निकालो। तो P कैसे निकलेगा? P किस लाइन पे है? फर्स्ट पे, ठीक है? तो मैं फर्स्ट लाइन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? तो वो P के पॉइंट हो जाएंगे, मान लेंगे हम। पहले क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू क्या आएगा? हम सोच रहे हैं कि x कहाँ है, ये इसमें है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना? तो i i कंपेयर करेंगे j j और k k, बट आप सीधा भी राइट कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस फोर, i की वैल्यू लो, माइनस फोर प्लस लैम्बडा। y इक्वल टू क्या आएगा? फोर प्लस लैम्बडा। और z इक्वल टू क्या आएगा? z इक्वल टू वन माइनस लैम्बडा, वन और ये माइनस के लैम्बडा। हो गया तक? मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू, मान लिया हमने क्या हो गए, माइनस फोर प्लस लैम्बडा, फोर प्लस लैम्बडा और वन माइनस लैम्बडा। देखो आगे पी की वैल्यू, ठीक है? अब चलते हैं क्यू के लिए। तो फ्रॉम सेकंड आ जाओ, x इक्वल टू सेकेंड से x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस थ्री प्लस के टू म्यू, माइनस थ्री प्लस टू म्यू। y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस एट प्लस के थ्री म्यू। और लास्ट z इक्वल टू क्या आएगा? माइनस थ्री प्लस के थ्री म्यू, माइनस थ्री यहां से और प्लस के थ्री म्यू यहां से। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अब लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल्स टू माइनस एट प्लस में थ्री म्यू। पहला ही रॉन्ग लिख दिया, ये आते माइनस थ्री प्लस टू म्यू फर्स्ट, सेकंड माइनस एट प्लस थ्री म्यू, लास्ट माइनस थ्री प्लस थ्री म्यू, ठीक है? पहली वैल्यू x की आती है, सेकंड y की, थर्ड z की आती है। तो इस तरह से P और Q दोनों के आगे कोऑर्डिनेट, ठीक है? हमें अब केवल लैम्बडा और म्यू की चाहिए वैल्यू, तो P और Q आ जाएंगे, P और Q आगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम वही चीज कैसे निकालने वाले हैं अभी, देखिए स्टूडेंट्स वही चीज हम कैसे निकालेंगे अब लैम्बडा और म्यू। तो यहां आ जाओ ना क्वेश्चन पे, देखो कि ये जो पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे बनाती है 90 का एंगल और इक्वेशन नंबर सेकंड पे भी बनाती है 90 का एंगल। जब ये लाइन दोनों पे 90 का एंगल बनाती है तो आपको पता है जब दो लाइनें 90 का एंगल पे हो तो क्या होता है, उनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई जीरो के बराबर होती है ना? तो वही हो जाएगा। तो पहले मैं रेशियो निकालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के, पी क्यू के, सेकेंड के, तीनों के मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट, फर्स्ट के रेशियो क्या आएंगे? फर्स्ट रेशियो वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड टू थ्री थ्री, टू थ्री थ्री, वन वन माइनस वन, टू थ्री थ्री। इस तरह हमारे पास दोनों के रेशियो आ गए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है? नेक्स्ट निकालते डायरेक्शन रेशियो पी क्यू, लेस होंगे किसी में, कोई लेस कर दो इसमें से, चलो इसमें ये लेस कर दो, क्या आएगा? तो माइनस थ्री प्लस टू म्यू, माइनस माइनस प्लस के फोर हो गए,
हाँ तो प्लस के फोर माइनस थ्री, प्लस का वन बचेगा, टू म्यू माइनस लैम्बडा, देखो ये आएगा टू म्यू माइनस लैम्बडा और प्लस का वन, ये बनेगी पहली वैल्यू। इसमें से ये लेस होगा, इसमें ये लेस होगा तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो टू म्यू माइनस लैम्बडा और ये प्लस का होगा तो लेस हो गया, प्लस वन बचा, क्लियर है। ओके पहला पॉइंट, सेकेंड करते हैं, इसमें से लेस होगा तो माइनस एट माइनस के फोर तो माइनस के ट्वेल्व हो गए, थ्री म्यू माइनस लैम्बडा और माइनस के ट्वेल्व हो गया। यहां तक लास्ट आ जाओ, माइनस थ्री माइनस वन माइनस के फोर तो यह आ जाएगा थ्री म्यू प्लस के लैम्बडा और माइनस के फोर। देखो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के आ गए, ठीक है, अभी क्लियर है। अब ये तीनों के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, पहले पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन फर्स्ट, कि पी क्यू फर्स्ट इक्वेशन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट इक्वल टू जीरो, यही हुआ ना। तो बताओ क्या आएगी, दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई करो, पी क्यू की और फर्स्ट की, पी क्यू ये है और फर्स्ट ये है, इसकी से मल्टीप्लाई सेम आएगा, तो क्या लिखोगे, टू म्यू माइनस लैम्बडा प्लस वन, इसकी से मल्टीप्लाई सेम आएगा, प्लस में थ्री म्यू माइनस लैम्बडा माइनस के एट सॉरी माइनस के ट्वेल्व, ठीक है, और लास्ट इसकी से मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगा, माइनस थ्री लैम्बडा सॉरी म्यू माइनस थ्री म्यू माइनस लैम्बडा प्लस के फोर इक्वल टू जीरो, ये साइड टर्म माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लास्ट में कर दो सॉल्व, इसको क्या आएगा, दिस इंप्लाइज थ्री म्यू कैंसिल सॉरी हाँ, तो यहाँ बचेगा टू म्यू लैम्बडा 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 माइनस के थ्री लैम्बडा और फिर ट्वेल्व में से फोर लेस होंगे तो एट प्लस सॉरी माइनस के सेवन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप क्लियर हुआ होगा, देखो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा स्टेप लगेगा, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी स्टेप्स है, पता रखे हैं सिंपल, वही स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। टू म्यू माइनस थ्री लैम्बडा माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, फिर देख लो एक बार, टू म्यू लैम्बडा 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 माइनस के थ्री लैम्बडा और ट्वेल्व फोर गए माइनस एट माइनस के सेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक सारा कंप्लीट। नेक्स्ट आई एंड सेकंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर सेकंड, कि पी क्यू कहां पे है, परपेंडिकुलर सेकंड पे भी परपेंडिकुलर, तो इससे भी इसके रेशियो की मल्टीप्लाई क्या होगी, जीरो के बराबर, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड इक्वल टू जीरो हो गया। रखो तो करो टू से मल्टीप्लाई, फोर म्यू माइनस के टू लैम्बडा प्लस के टू, पहले टू से इसकी मल्टीप्लाई की कंप्लीट से मैंने हुई कंप्लीट से जहां तक कोमा है वहां तक, ठीक है, फिर उसके बाद थ्री की, देखिए उसके बाद थ्री की मल्टीप्लाई यहां पे होगी तो क्या आएगा, माइनस सॉरी प्लस के नाइन म्यू माइनस के थ्री लैम्बडा और माइनस के 36, लास्ट इसकी थ्री से होगी तो ये आएगा प्लस में नाइन म्यू प्लस के थ्री लैम्बडा माइनस के 12 इक्वल टू जीरो, ये बनी कंडीशन, ठीक है। टू थ्री थ्री की मल्टीप्लाई, टू की इससे थ्री की इससे, इससे प्लस किया और बराबर जीरो हो गया, करें सॉल्व इसको तो क्या आएगा, ओवरऑल देखते हैं, फोर म्यू थर्टीन थर्टीन और नाइन 22 म्यू है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लैम्बडा के ऊपर, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ये तो कट ही गया, हाँ तो माइनस के टू लैम्बडा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वैल्यू पे, 36 माइनस 12 माइनस के 48 और माइनस 48 में प्लस के टू तो माइनस के 46 इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक केस, ठीक है। अगले केस में टू यहाँ से कॉमन निकाल के हटा दूँ तो क्या बनेगा, 11 म्यू माइनस लैम्बडा माइनस के 23 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। इस तरह से आपको टू इक्वेशंस मिलेंगी, थर्ड एंड फोर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा और म्यू मिल जाएगा,
ठीक है, तो अभी आगे करते हैं, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वो सीधे दो इक्वेशन यहाँ पे आई थी थर्ड और फोर्थ, सीधे यहाँ पे लिखी है ऑन सोल्व करने के लिए। ये तो हमारी थर्ड है, और फोर्थ वाली को मैंने थ्री से कर दिया मल्टीप्लाई सीधा, ठीक है, ताकि इन दोनों कोफिशिएंट सेम सेम हो जाए। क्लियर? हाँ, तो क्या करो सोल्व करने के लिए, माइनस प्लस प्लस, तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस के 31 म्यू, यहाँ आ जाएगा प्लस के 62 इक्वल टू जीरो, देन म्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर सी बात है, म्यू की वैल्यू 2 आ गई, लैम्बडा की और निकालनी है, हाँ तो ये लैम्बडा की यहाँ म्यू की यहाँ उठा के रखो, देन कितना आएगा 4 माइनस के 3 लैम्बडा माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लेस होंगे तो माइनस के 3 इक्वल टू 0, देन लैम्बडा इक्वल टू माइनस का 1 आंसर आने वाला है। ठीक है, लैम्बडा माइनस 1 म्यू 2, दोनों आंसर आ गए। पी और क्यू निकालते हैं, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या बनेंगे, रखूं पी में लैम्बडा की वैल्यू माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 1 प्लस के 1 2, माइनस 5 3 2, ये पी की वैल्यू आ गई। क्यों की निकालें, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इक्वल्स टू क्या आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट ये है ना, म्यू के रखो 2 वैल्यू यहाँ पे, ये क्यू है 2 रखो, 2 बटा 4 माइनस 3 प्लस 4 1, माइनस 8 प्लस 6 माइनस के 2, भाई 2 से हो गया ना मल्टीप्लाई, 3 टू 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस के 2, माइनस 3 प्लस के 6 तो 3 आ गया, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 3, ये क्यू के आ गए, P और Q दोनों के आपको मिल गए कोऑर्डिनेट। ठीक है, करना क्या है, हमने ये इक्वेशन निकालनी है PQ वाली, तो देखिए ध्यान से आपकी इक्वेशन कैसे आएगी। अब मैंने ये सब रफ कर दिया पीछे का, देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ PQ तो ये होगा ना फॉर्मूला y माइनस वाई वन, पहले x माइनस एक्स वन ओवर, अच्छा बनानी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है वेक्टर इक्वेशन बनानी, तो स्टूडेंट्स क्या होगा वेक्टर इक्वेशन में, ये होगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा, लैम्बडा और म्यू तो हम क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, t ले लो करना ना कोई भी ले लो कॉन्स्टेंट, वेक्टर a प्लस t वेक्टर b माइनस वेक्टर a, देखो ये बनेगी इक्वेशन b माइनस ए मतलब a, तो ये हो गया, तो p और q ले लो यहाँ पे, चलो ये लो वेक्टर p और यहाँ हो गया वेक्टर q और यहाँ हो गया माइनस वेक्टर p, कोई डाउट अभी, बात तो वही है ना, करें अब सॉल्यूशन में। हाँ तो वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p की रखो वैल्यू, वेक्टर p की ये आएगी माइनस 5i प्लस में 3j प्लस में 2k प्लस t इंटू ब्रैकेट q माइनस p, इसमें लेस करो 1 माइनस तो प्लस के हो गए 6i माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5j 3 माइनस 2 1 प्लस के k, ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, पी क्यू की, ये आंसर होगा पहला, लाइन ऑफ एसडी होगी क्वेश्चन। सेकंड क्या निकालनी है, अब एसडी और निकालना है आपने, तो देखो एसडीएफ से तो यही हो जाएगा, पी क्यू चाहिए एसडी, तो पी और क्यू के बीच में निकाल दो डिस्टेंस, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, By using केवल डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लो ना बस और कुछ भी नहीं, पी क्यू इक्वल टू रूट में क्या आएगा, इन दोनों को लेस कर दो बस, 1 माइनस 5 तो इसी का स्क्वेयर होगा और कुछ भी नहीं है, 36 प्लस में 25 प्लस में 1, चेक कर लेना भी आएगा, तो कितना होगा 36 और 5 41 51 61 62 रूट 62 आएगा, रूट 62 यूनिट्स, ये इनके बीच में एच डी आएगा, तो देखा एच डी निकालने के फिर यहाँ सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कहा था कि भाई ये काम था वो करना ही पड़ेगा इतना लंबा, तो और आप एच डी और करते तो वो कितना लंबा जाता, टाइम बच गया हमारा सीधे सीधा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा 13.4 में जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट है अभी, अब 13.5 का एक लास्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन,
देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 13.5 में मिलेगा आपको लास्ट क्वेश्चन, देखना क्या है ये। डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, ये चेक करना है कि जो पेयर ऑफ लाइन दोनों हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते, मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर है तो इंटरसेक्ट भी है, मतलब ये हुआ एस डी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो अगर इतना ही पूछते यहाँ तक तो इनका एस डी निकाल लेते। देखो ध्यान सुनना बात, अगर इतना ही पूछते तो एस डी निकाल देते, एस डी जीरो आ गया दे इंटरसेक्ट, नहीं आया नॉट इंटरसेक्ट। बात क्लियर है, इंटरसेक्ट और कोप्लेनर एक ही बात है, फिर क्लियर। लेकिन आगे क्या बोला गया वो देखो, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट निकालो कहाँ करते हैं इंटरसेक्शन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया ना। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़े से डिफरेंट आते हैं, देखना पहले तो फिगर कैसे बनेगा। सॉल्यूशन एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, भाई इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे ही तो करेंगे, मान लीजिए कि दोनों कट होके निकल गए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखो यहाँ पे, x प्लस 1/3, y प्लस 3/5, z प्लस 5/7 इक्वल टू लैम्बडा, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं मिलता आप कभी भी, हम मानते हैं। सेकेंड आ जाओ, x माइनस 2/1, y माइनस 4/3 और z माइनस 6/5 इक्वल टू म्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है दोनों केसेस में, तो स्टूडेंट्स यहां ये जो पॉइंट है, मान लीजिए P और Q यही है, नहीं P तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन पे और Q आ गया सेकेंड इक्वेशन पे, क्लियर है। अगर दोनों कट करते हैं तो दोनों एक ही जगह पे होंगे ना, शोर सी बात है ये वाली, ठीक है। और अगर कट नहीं करते हैं तो दोनों अलग अलग होंगे, यही ना। तो एस डी निकालेंगे पी क्यू, अब पी क्यू तो कितना आएगा, जीरो। डिस्टेंस जीरो है तो दे इंटरसेक्ट, जीरो नहीं है तो नॉट इंटरसेक्ट। इतना काम यहां तक का था, अगर यहां तक पूछते तो आप एस डी निकालते और चेक कर लेते, ठीक है, ध्यान सुने बात को। लेकिन आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन कि इफ दे इंटरसेक्ट देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एस डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, एस डी वाले रूल से नहीं करेंगे। फिर कैसे करना है, दूसरा रूल सुने जिससे दोनों केस हो जाएंगे सोल्व, कौन कौन से, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा और हम चेक भी कर लेंगे इंटरसेक्ट है या नहीं है, दोनों बातें आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें अगर हम एस डी का फार्मूला लगा के एस डी निकालेंगे तो कितना लंबा जाएगा, उसके बाद वो काम भी करना पड़ेगा, तो मैंने एस डी का फार्मूला नहीं लगवाया और सीधा वो दूसरा काम करके और दोनों ही चीजें एक साथ सोल्व कर दी, हो गया था शॉर्टली सोल्व। तो ऐसे ही ये भी एस डी का फार्मूला ना लगा करके, जब ऐसे पूछे तो है आगे, इफ दे इंटरसेक्ट देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए तो ये रूल करने दो, बताऊंगा वो, अदरवाइज एस डी का ही फॉर्मूला लगता। ठीक है, ये आपका एस डी का लास्ट क्वेश्चन है 13.5 में। ठीक है, अब फिर आपका टॉपिक कंप्लीट है, तो ये लास्ट है, इसमें एक सिमेट्रिकल फॉर्म रह जाती है बाद में बताएंगे, और उसी सिमेट्रिकल फॉर्म के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है इसी एस डी के अंदर 13.4 का फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे एस डी निकालना बोला गया और वहाँ पे लाइनें प्लेन के फॉर्म में है, ना कि इक्वेशन में बना के दे रखी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको भी बाद में बताएंगे, वो भी सिमेट्रिकल फॉर्म जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी छोड़ देना आपने अभी, चलिए कराएं अभी इसको, क्या होगा तो कैसे करेंगे, जब स्टूडेंट्स इस बात है, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो पी और क्यू एक ही जगह पे होंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। ठीक है ना, तो मैं पी के निकाल लूँ कोऑर्डिनेट, क्यू के निकाल लेता हूँ कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट बोलो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 लैम्बडा माइनस 1, श्योर। x इक्वल टू y इक्वल टू क्या आएगा, 5 लैम्बडा माइनस 3, z इक्वल टू क्या आएगा, 7 लैम्बडा माइनस 5, हो गया। मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 1, 5 लैम्बडा माइनस 3 और 7 लैम्बडा माइनस 5, हो गया। फिर फ्रॉम सेकेंड आ जाओ, x इक्वल टू सेकेंड से आ जाएगा म्यू प्लस के 2, y इक्वल टू 3 म्यू प्लस के 4, z इक्वल टू 5 म्यू प्लस के 6, ओके। x इक्वल टू म्यू प्लस 2, y इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, z इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू पहला म्यू प्लस 2, दूसरा 3 म्यू प्लस 4, लास्ट 5 म्यू प्लस में 6। इस तरह हमारे पास P और Q दोनों के पॉइंट आ गए, बस लैम्बडा और म्यू निकालना है। कैसे होगा वो सुने ध्यान से,
देखो स्टूडेंट लैम्डा म्यू कैसे निकलेगा, अब ये दोनों पॉइंट इक्वल है, मैं मान लेता हूं इफ पी इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मानते हैं पहले हम अभी लेट पी इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहली वैल्यू पहले के बराबर, ये होगा ना, क्या लिखोगे, थ्री लैम्डा माइनस वन इक्वल टू म्यू प्लस टू, पहली इक्वेशन होगी। दूसरा फाइव लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू थ्री म्यू प्लस फोर, भाई सेकंड सेकंड के इक्वल होगी, फाइव लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू थ्री म्यू प्लस फोर। लास्ट सेवन लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू फाइव म्यू प्लस में सिक्स, ये थर्ड हो गई। तीनों इक्वेशन इस तरह, मतलब पहली वैल्यू पहले के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, कब, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे, जब एक ही जगह पे हैं तो x x की वैल्यू, y y की, z z की, तीनों वैल्यू सेम सेम होंगी, तो मैंने तीनों सेम सेम लिख दी यहाँ पे, हो गया तक। अब आ जाओ तो यहां देखो क्या बनेगी इक्वेशन, थ्री लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू थ्री, आयो क्लियर है। यहां से आ जाओ फाइव लैम्डा माइनस थ्री म्यू, और उधर गया तो प्लस में सेवन, यहां आ जाओ सेवन लैम्डा माइनस के फाइव म्यू इक्वल टू इलेवन। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री इक्वेशन आ गई, वन टू यहाँ नाम नेम दिया हुआ है, यहाँ पे नेम दे दो थ्री, यहाँ पे फोर, और ये वाली लास्ट हो गई फाइव, ये हमारे पास थ्री इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके और लैम्डा और म्यू की निकालो वैल्यू, इन दो को सोल्व करके, ठीक है, करे सो ऑन सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। ऑन सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या है, तो मैं इसको थ्री से कर लेता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पे थ्री है ना साथ में, इसको थ्री से कर लेता हूं, तो क्या आएगा, नाइन लैम्बडा माइनस के थ्री म्यू इक्वल टू नाइन, और सेकंड वाली सेम फाइव लैम्बडा माइनस के थ्री म्यू इक्वल टू सेवन, माइनस प्लस माइनस कट हो गया, फोर लैम्बडा इक्वल टू टू, देन लैम्बडा इक्वल टू वन बाई टू, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, ठीक है, म्यू निकाले अभी, हाँ तो लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहां रख दो इसमें थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू माइनस म्यू इक्वल टू थ्री, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस म्यू इक्वल टू थ्री माइनस के थ्री बाई टू, मतलब आंसर आएगा थ्री बाई टू, हाँ तो म्यू इक्वल टू हो गया माइनस के थ्री बाई टू, लैम्बडा की वैल्यू वन बाई टू, म्यू की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लिया। लेकिन अभी स्टूडेंट्स ये नहीं हुआ है, देखिए आप सुने ध्यान से, मैंने यहां पे ये मानने हैं दोनों बराबर है, लेट पी इक्वल टू क्यू, आप कहोगे भाई मान के चलेंगे तो लैम्डा म्यू की तो वैल्यू आनी ही है, सीधी सी बात है, ये मैंने माना है, मैंने कहां प्रूव किया कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन मैं तो मान के चला हूं ना, तो स्टूडेंट्स प्रूव अब होगा कि ये जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आई है उठा के फिफ्थ में रखो, अगर ये दोनों वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर देती है तो ये इंटरसेक्ट करते हैं, अदरवाइज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना, यहां प्रूव होगा इंटरसेक्ट वाली बात में, तो रखो वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन फाइव, तो क्या आएगा देखो यहां पे, यहां पे हो गया सेवन बाई टू, और माइनस माइनस प्लस के हो गए फिफ्टीन बाई टू, प्लस के हो जाएंगे क्योंकि म्यू रखेंगे माइनस थ्री बाई टू, माइनस प्लस फिफ्टीन बाई टू इक्वल टू कितना है लैम्बडा, ऊपर एलसीएम कितना आया 15 22 बाई टू इक्वल टू 11 11 इक्वल टू 11 सही है, हो गया ना, तो क्या लिखोगे, हेंस दे इंटरसेक्ट, समझ आया स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहां तक कि मैंने कैसे लिखा है, यहां पे लिख देते हैं, वैसे तो याद है ही हमें क्या क्या है, देखो क्या लिखोगे, हेंस यहां पे आएगा, हेंस दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट, देखा हो गया ना प्रूफ, ये होता है सेकंड तरीका प्रूव करने का बिना एचडी के, हो गया, तो अब इससे ये बेनिफिट भी है कि मैं सीधा वो पॉइंट भी निकाल सकता हूं, कैसे भाई, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों पॉइंट एक ही तो है, एक ही पॉइंट है दोनों, तो लैम्बडा वैल्यू आई थी वन बाई टू, वो वन बाई टू उठा के पी में रख दो ना, पी में या क्यू में किसी में रख दो, पी में रखो तो लैम्बडा रख दो, क्यू में रखो तो म्यू रखो, आप लैम्बडा यहां दोनों में सेम पॉइंट आने हैं, तो लैम्बडा रखो वन बाई टू यहां पे, तो क्या लिखोगे, सो इंटरसेक्शन पॉइंट, सो इंटरसेक्शन पॉइंट
इक्वल टू क्या होगा, रखो लैम्डा वैल्यू 1 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 5 बाई 2 माइनस 3, माइनस 1 बाई 2, लास्ट आ जाओ 7 बाई 2 माइनस 5, माइनस 10, माइनस 3 बाई 2, ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। आई होप स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सोचिए यहां पे दोनों इक्वेशन सोल्व करके लैम्डा न्यू की निकालेंगे वैल्यू, इसको लाइक करके चलेंगे, और यहां पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो लिखोगे हेंस दे नॉट इंटरसेक्ट, आगे कुछ नहीं होगा, खत्म। मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट करती नहीं है तो खत्म, फिर ये काम नहीं होगा। और इंटरसेक्ट करती है तो लैम्डा और म्यू में से किसी में एक ही एक की वैल्यू या तो पी में रखो या क्यू में रखो, दोनों सेम आंसर आना चाहे, उठा कर रखना म्यू की वैल्यू, यही मिलेगा रिजल्ट आपको, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यही बहुत है, क्योंकि दो क्वेश्चन काफी लेंथी हुए हैं, कंप्लीट कर लेना क्वेश्चंस और आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेन के बारे में डिफाइन करके देते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक्स।